Kirti, your birthday is around the corner. Yes, so? Where would you throw party? I am broke these days. I can't stand party. She said, I am broke these days. Broke मतलब ऐसा इंसान जिसके पास उस समय पैसे नहीं हैं. जब कभी आपके दोस्त आपसे पार्टी मांगे, बोल दो आई एम ब्रोक दिस डेज, आई कॉन्ट स्टैंड पार्टी टुडे. ब्रोक मतलब ये है कि खाली है, जेब खाली है, फटे हाल है साहब. इन दिनों तो आपके पास उस सिचुएशन में पैसे नहीं हैं, जब पैसे की नीड है आपको, तो आप बोल सकते हो आई एम ब्रोक दिस डेज, मतलब जेब खाली भाई मेरे आज. कभी आपको नया फ़ोन खरीदा, दोस्त कहते हैं भाई पार्टी तो बनती है, आई कॉन्ट स्टैंड पार्टी, आई एम ब्रोक दिस डेज. आप जेब दिखा दो, उल्टा दिखा दो, जेब ऐसी है, जेब में कोई मसाला निकल आता है जेब में से, तब बोल सकते हो आई एम ब्रोक दिस डेज. मसाला नमकीन आप देखो बचपन में अक्सर आपकी जेब से निकलते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा कर देते तो निकल आते हैं, इससे पार्टी निकल आती है, स्वीटी निकल आती है. तो आई एम ब्रोक दिस डेज, आई कॉन्ट स्टैंड पार्टी, शी इज़ ब्रोक, ही इज़ ब्रोक, आई एम ब्रोक. आप भी स्टाइल मार सकते हो, हे ब्रो आई एम ब्रोक ब्रो, सो आई कॉन्ट स्टैंड पार्टी, इस तरह से बोल सकते हो. I want to change this mobile. But why? What happened? It sucks. She spoke, this mobile sucks. Sucks से मतलब यहाँ पर यह है, ये एक slang होता है, एक expression होता है आपका. ऐसे slang words use किए जाते हैं अपने, ये ऐसा slang है जिसको आप use कर सकते हो अपनी मतलब disgusting feeling दिखाने के लिए. अरे यार बस ये ऐसा मोबाइल है, मोबाइल बहुत hang होता है, बेकार होता है, तो बोल सकते हो it sucks. दिस मोबाइल सक्स. अब मूवी देखने गए, मूवीज़ जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, बस उसमें फालतू की बातें हैं उसमें, तो दिस मूवी सक्स, सच का मूवी सक्स, ऐसे बोल सकते हो. आपके पास कोई खाना मिला, वो खाना बस आपको खाना टेस्टी नहीं लगा, ये खाना अच्छा नहीं है. अब हैव यू गॉट समथिंग एल्स टू ईट, दिस फूड सक्स, सो आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस फूड, ये नहीं खाना मुझे, इट सक्स. मूवी सक्स, कोई चीज़ है, कोई इंसान है, जैसे एक व्यक्ति है जो मुझे बहुत तंग करता है, बहुत देख के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई व्यक्ति ऐसे चीज़, ऐसा इंसान, ऐसी मूवी, ऐसी एक्टिविटी जो पसंद नहीं है आपको, तो बोल सकते हो सक्स, ही सक्स, शी सक्स, इस तरह बोल सकते हो आप लोग. मतलब कोई चीज़ डिसगस्टिंग है, बेकार है, इसे आप पसंद नहीं करते हो, सक वर्ड का यूज़ कर सकते हो. ट्रैवलिंग इन समर्स इट सक्स, ट्रैवलिंग इन बस इट सक्स, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, राइट. Look at him. He is eye candy. Eye candy? What does it mean? She said, he is eye candy. Eye candy एक तरह का आपका एक slang word होता है, ऐसा expression है जो आपका जिसे आप use कर सकते हो, कोई चीज़ जो आपकी आँखों को देखने में बहुत अच्छी लगती हो, आँखों को लुभाती हो, भले ही अंदर से वो कैसी क्या है वो मतलब नहीं है, लेकिन eye candy. जैसे कभी कभी आप देखा movies में, इन आइटम सॉन्ग्स आर इन मूवी आर आई कैंडी, बस उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, देखने के लिए किया जाता है, तो सिर्फ बोलते हैं आई कैंडी. जैसे आपने कोई लड़की देखी, वो आपको देखने बहुत अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, तो शी इज़ आई कैंडी, बस पूरे दिन से देखता रहूँ उसको, मैं उसमें खो जाऊँ, मैं डूब जाऊँ, तो ऐसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं आई कैंडी, शी इज़ आई कैंडी. एंड सम ऑफ द पीपल दे आर लिविंग देयर, अपने घर के आसपास पड़ोस में कोई ऐसा दिख जाता है तो उसको देखते ही रहते पूरे दिन, उसको उन्हें देखकर पसंद आता है, तो शी इज़ आई कैंडी. वहीं आप मूवीज़ के लिए बोल सकते हो, मूवीज़ में कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक्टर या एक्ट्रेस को केवल नाम के तौर पर रखा जाता है, काफ़ी सारे एक्टर लेते हैं मूवी में, मेन रोल केवल एक हीरो को होता है, तो बोल सकते हो अदर एक्टर्स आर जस्ट आई कैंडी, मतलब उनको बस दिखाने रखा गया, दिखाने के लिए. ऐसी कोई चीज़ होटल रेस्टोरेंट कोई भी चीज़ें जो कि दिखने में अच्छी हैं उसे बोलते हैं आई कैंडी, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो आई कैंडी है. योर ड्रेस इज़ आई कैंडी, दिखने में अच्छी लग रही है ड्रेस की, मतलब किस क्वालिटी की है वो मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं आई कैंडी. इंग्लिश सीखने वेस्ट जो रहते हैं इंग्लिश. थैंक यू.